नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। जी हां, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का हम रुख करेंगे। वहां पर क्या कुछ आज हलचल होने वाली है, क्या कुछ बड़ी खबर रहने वाली है, उस पर नजर रहेगी। तो सबसे पहले देश की राजधानी का रुख कर लेते हैं, जहां 720 करोड़ से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण होगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आधारशिला रखेंगे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को 720 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ नया रूप दिया जाएगा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा और इस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा विश्व स्तरीय लुक प्रदान किया जाएगा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को 720 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ नया रूप देने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। योजना इस तरह बनाई जा रही है कि यह विश्व स्तरीय सुविधाओं और सौंदर्य पूर्ण रूप से डिजाइन किए गए प्रतिष्ठित स्टेशन भवन के साथ बड़े पैमाने पर बदलाव से गुजरे। रीडेवलप स्टेशन पर एक ही स्थान पर सभी यात्री सुविधाओं के साथ डबल लेवल स्पेशियस रूफ प्लाजा होगा। साथ ही साथ यात्रियों को रेल से अन्य साधनों में निर्बाध स्थानांतरण प्रदान करने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी होगी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा और स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसा लुक दिया जाएगा, वो भी विश्व स्तरीय एयरपोर्ट। और वहीं पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद हैदराबाद के परेड ग्राउंड में एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। समारोह में वो बीबीनगर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला भी रख सकते हैं। 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बड़ी हलचल आज नजर आ रही है। बीजेपी मतदाता सम्मेलनों से जनसंवाद करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश भर के नगर निगम क्षेत्रों में बीजेपी के जनसंवाद होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी शामिल होंगे। मोदी और योगी सरकार के विकास कार्य जनता को बताए जाएंगे, क्योंकि निकाय चुनाव करीब है। विकास कार्य को लेखा जोखा लेकर भाजपा प्रभावी मतदाताओं के बीच पहुंचेगी। 50 से अधिक मतदाता सम्मेलनों से संपर्क संवाद किया जाएगा। तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। झांसी और कानपुर में मतदाता सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मतदाताओं से संवाद करेंगे। झांसी में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा भी शामिल होंगे। तो ये तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं अगर बात की जाए उत्तराखंड की, यानी कि देवभूमि की, तो भू दशाव आपदा के बाद खुशगवार मौसम के बीच जोशीमठ नगर अब सुरक्षित हो रहा है और तीर्थयात्रियों पर्यटकों के स्वागत के लिए पलके बिछाए हुए तैयार है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जोशीमठ में ओली मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर जोशीमठ से लेकर ओली तक नगर पालिका जोशीमठ द्वारा साफ सफाई के साथ आयोजक कमेटी ने भी ओली मैराथन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। वही मुख्यमंत्री पुष्कर दीक्षामी शनिवार को जोशीमठ पहुंचकर ओली मैराथन में प्रतिभाग करेंगे अब से कुछ ही देर में, और प्रतिभागों का हौसला अफजाई भी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है तीनों राज्यों की। दिल्ली में जहां 720 करोड़ से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण कराया जाना है और इंटरनेशनल लेवल पर इसका जो सौंदर्यकरण है वो होगा, सुंदरीकरण है जो वो होगा, इसे एयरपोर्ट जैसा लुक दिया जाएगा रेलवे स्टेशन को। वहीं दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर बीजेपी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जनसंवाद किया जाएगा मतदाताओं से। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जोशीमठ भूदशा आपदा के बाद जोशीमठ ओली का पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया था, तो ऐसे में वहां पर ओली मैराथन का तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तो आज इसी पर नजर रहेगी। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ से मेरे सहयोगी राजकिशोर वर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ अगर देहरादून की हम बात करें तो यहाँ से सुभाष गौड़ मेरे साथ जुड़ गए हैं, और अब से कुछ ही देर में मैं इनके पास जाऊंगी और बातचीत करने की कोशिश करूंगी कि क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तैयारियां हैं। तो तीन बड़ी खबर है जिसको लेकर आज पूरे दिन नजर बनी रहेगी। मेरे सहयोगी भी कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। तो बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में आपदा के बाद जोशीमठ ओली का पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया था, जिसको लेकर ये बातें रखी जा रही। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। लखनऊ का सीधा रुख करेंगे। मेरे सहयोगी राजकिशोर वहां से मेरे साथ जुड़े हैं। राजकिशोर, क्या कुछ तैयारियां हैं इस पूरे मामले को लेकर, और देखा जाए तो जिस तरह से जनसंवाद की तैयारियां हो रही हैं,
ये निकाय चुनाव को लेकर है या अभी से ही जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है, ये मान ले हम? जी बिल्कुल, बता दें काजोल जी कि जिस तरीके से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रियता दिखा रही है, उनकी सरकार होने के बावजूद भी वो जनता के बीच में सीधे संवाद कर रहे हैं और मतदाताओं से मिलते हैं और आम जनताओं से मिलते हैं, किसी कार्यकर्ता को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो उसको भी लेकर खास ख्याल रखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए जो स्थानीय निकाय चुनाव कुछ दिनों में होने वाला है, जिसकी अधिसूचना भी अभी जल्द ही जारी हो सकती है, ऐसे में कहीं ना कहीं उस स्थानीय निकाय चुनाव को भी बीजेपी बहुत मजबूती के साथ, प्रबल दावेदारी के साथ लड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। और उसके लिए आज से मतदाताओं सम्मेलन में डिप्टी सीएम और उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश के सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देशित किया गया है कि अपने जिले में जाकर वहां के मतदाताओं से आप मिलिए और जो बीजेपी ने अब तक काम किए हैं 6 वर्षों में, जो जनता के लिए हित में कार्य किए गए, उन कार्यों को बताया जाए, उनके बारे में साझा किया जाए और उनको बताया जाए कि आने वाली जो सरकार हमारी जिस तरीके से सरकार काम कर रही है वो किस प्रकार का काम किया है। और वहीं अगर इसके साथ साथ देखें तो कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, जिसको लेकर भी बीजेपी अपनी रणनीति को लेकर तैयार है, जिसके उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने भी बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो सारी रणनीति को लेकर बनाकर आगे चल रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा को भी जीतने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि मतदाताओं से जनसंवाद की हम बात करें राजकिशोर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को भेजती है और वहां एक एक घर तक ये लोग जाते हैं और वहां से अपनी योजना जो इन्होंने चलाई है, जो उन्होंने काम किए हैं वो बताने की कोशिश करते हैं, यानी कि जमीनी स्तर पर जो मजबूती है वो दिखाने की कोशिश करते हैं और ये कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाता है भाजपा के लिए। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, क्या लगता है निकाय चुनाव में जिस तरह का जनसंवाद चल रहा है उससे कोई फायदा होगा बीजेपी को? जी बिल्कुल, बता दें काजुल जी कि जिस तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पहले से ही तैयारी कर रही थी और बीते दिन जो ओबीसी को लेकर एक आरक्षण को लेकर जो एक घमासान मचा था, उसके बाद उस पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना एक प्रबल दावेदार के रूप में उस पर सूचना जुलाई और उसके बाद ओबीसीयों को जो अनुसूचित योग के हैं लोग और ओबीसी से संबंधित के लोग हैं उनको भी खुश किया। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी के मजबूत दावेदार हैं वो फिर से एक बार चुनावी रण में उतरेंगे और कहीं ना कहीं उनके साथ साथ प्रभारी मंत्री होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होंगे और दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे, उसके साथ संगठन के भी कई सारे पदाधिकारी लोग लगाए गए हैं कि जनता से सीधे संवाद करके वहां पर अपने किए गए कार्यों को बताया जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो निकाय का चुनाव है वो मजबूती से अगर इनकी दावेदारी होती है, लगभग 14,000 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जिस पर चुनाव होना है और इन सब को लेकर रणनीति बनाई गई है और कहीं ना कहीं यहीं से सीटें जो है अगर स्थानीय निकाय चुनाव में इनकी मजबूती प्रबल दावेदारी के साथ रहेगी तो कहीं ना कहीं लोकसभा भी इनका मजबूत रहेगा और जनता से सीधे संवाद करना जमीनी स्तर पर। जनता के बीच ये जो अपनी योजनाएं हैं, जो अपने काम किए हैं इन्होंने, चाहे वो केंद्र की तरफ से हो चाहे वो प्रदेश की तरफ से हो, पहुंचाने की पुरजोर कोशिश भाजपा करेगी और कहीं ना कहीं देखा गया है कि हर बार चुनाव में से भाजपा को फायदा हुआ है और इसी कड़ी में और इसी रास्ते पर एक बार फिर से भाजपा चलती हुई नजर आ रही है। मैं आपका रुख करूंगी, आप मेरे साथ बने रहिए। सुभाष जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। सुभाष जी, अगर बात की जाए औली मैराथन की, तो आज औली मैराथन की शुरुआत होने जा रही है जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अगर जोशीमठ की हम बात करें तो भू दशाव की वजह से औली का अधिकांश क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो अब सुरक्षित है। ऐसे में अब यहाँ औली मैराथन की शुरुआत होने जा रही है, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, लगभग सुबह 11:20 पर मुख्यमंत्री जोशीमठ में पहुंचेंगे और जोशीमठ के जो मंदिर है यानी कि नरसिंह का मंदिर है वहां से औली फेस्टिवल की शुरुआत की जाएगी, यानी कि जो मैराथन वो कराई जा रही है राज्य सरकार की तरफ से ताकि लोग औली की तरफ फिर से आए, क्योंकि औली भी यात्रा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और तमाम जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड में औली बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, लेकिन क्योंकि जोशीमठ आपदा के बाद वहां की जो संख्या है यात्रियों की या फिर पर्यटकों की वो बहुत सीमित हो गई, ऐसे में राज्य सरकार चाहती है कि जो पर्यटक हैं वो फिर से उत्तराखंड की तरफ पहुंचे और उसके
रही है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग और उत्तराखंड सरकार कोशिश कर रही है कि तमाम पर्यटकों को ये समझाए कि उत्तराखंड पूरी तरीके से सुरक्षित है और जो लोग हैं, जो यात्री हैं, चाहे वो पर्यटक हैं, वो उत्तराखंड की तरफ रुख कर सकते हैं। तो ऐसे में ओली जो ये कहा जा सकता है मैराथन है, उसकी शुभारंभ लगभग सुबह 11:20 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नरसिंह मंदिर जोशीमठ से करेंगे। और इसके साथ ही क्योंकि जिस तरीके से आपदा की स्थिति जो जोशीमठ शहर में बनी थी, उसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थलीय निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, जिसका समय 12:30 पर रखा गया। यानी कि ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री चुनावी दौरे पर जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जिन स्थानों पर जिन लोगों को राहत की जरूरत है, जिन लोगों के लिए काम किए जा रहे हैं, उनका निरीक्षण करना भी मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। और यही कारण है कि जोशीमठ में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का महत्वपूर्ण दो कार्यक्रम है, जिसमें एक तो पर्यटकों की संख्या से महत्वपूर्ण है कि पर्यटक उत्तराखंड की तरफ आए, उनके लिए सारी सुविधा राज्य सरकार की तरफ से कर ली गई और साथ ही किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और दूसरी राहत कार्यों को लेकर है कि जोशीमठ में अभी भी कई ऐसे मकान थे जो धस चुके थे, उन लोगों के लिए जो कार्य राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा, प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करने खुद ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री पहुंचे और ग्राउंड जीरो पर अधिकारियों को बुलाकर वो उसका जायजा भी लेंगे कि कब तक सारे काम पूरे हो पाएंगे। काजोल, बिल्कुल सुभाष, आपका रुख करूंगी, आप मेरे साथ बने रहिए। दिल्ली से मेरे सहयोगी सुदीप भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, 720 करोड़ की योजना है और सिकंदराबाद का जो रेलवे स्टेशन है उसका पुनर्निर्माण हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो रेलवे स्टेशन है वो सिर्फ रेलवे स्टेशन ही है कहने के लिए, लेकिन सुविधाएं आपको पूरी एयरपोर्ट जैसे मिलने वाली है। क्या कुछ अपडेट है सुदीप? काजल, देख लीजिए जिस तरीके से पीएम मोदी का दौरा दक्षिण भारत में शुरू हो गया, क्योंकि आने वाले समय में तमिलनाडु में भी चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है, तो जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ, जैसे पीएम मोदी लगातार कहते भी आते हैं, बीजेपी लगातार कहती भी आती है कि हमको देश का विकास करना, तो वहीं पे आप देख लें 11,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी आज उत्तरी भारत दक्षिणी भारत में। और वहीं उनके देख लें जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव पास है, जिसमें तेलंगाना वर्षा से हिस्सा लेगी, लगभग 90% सीट जो है हम वो बीजेपी को देंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, देश का जो विकास हो रहा है, ये सब चलते उन्होंने ये कहा भी। अब वही देखा अगर पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी शाम 6:30 लगभग श्रीरामपुर परमहंस के 125वीं जयंती पर वो बेंगलुरु में भी जाएंगे, वहां पर जनता को संबोधित करेंगे, जो और कार्यक्रम वहां पे लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि 11,300 करोड़, और वही बात करें अगर कर्नाटक चुनाव की, कर्नाटक चुनाव पास में जो मई में लगभग समापन इसका होना है, और मई में पीएम मोदी के चुनाव तारीख का ऐलान होने के बाद पहला दौरा है, तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत को साधने की पूरी तैयारी पीएम मोदी है, क्योंकि पीएम मोदी चेहरा भी एक बड़ा चेहरा, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की वो दावेदार में है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार इसको करता रहता है, जब राहुल गांधी की सदस्यता गई तो कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने कहा था कि ये सबसे बड़ा बदला लेने का मौका यही कि हम जाके कर्नाटक चुनाव जीते। लेकिन अगर पिछले 2018 की बात करें तो बीजेपी 102 सीट के साथ सबसे ज्यादा पाई थी, और लेकिन कांग्रेस की जो सरकार बनी थी गठबंधन से लगभग 14 महीने सरकार की शुरुआत टूट गई थी। कहीं ना कहीं बीजेपी सारी चीजों को लुभाने के लिए, जो वहां के मतदाता है उनको रिझाने के लिए, लुभाने के लिए ये लगातार वहां पे योजना और परियोजना का शिलान्यास हो रहा है, ये अपने आप में एक अहम मुद्दा है। जी बिल्कुल सुदीप, ये देखा जा सकता है कि एक के बाद एक कई योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर शहर को या ये कहें कि हर जिले को या हर राज्य को देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी सिकंदराबाद को ये अहम सौगात मिलने जा रही है, जानकारी भी मिल रही है कि हैदराबाद के भी परेड ग्राउंड में जाएंगे, वहां भी एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे, और यहाँ पर बीबी नगर अखिल भारतीय जो आयुर्विज्ञान संस्था है उसकी आधारशिला रखने जा रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि जो मोड है, एक एक्टिव मोड, उसमें अब बीजेपी नजर आ रही है, और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, वहां पर परियोजनाओं का लाभ, योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। कई ऐसे मुख्य कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत कर रहे हैं। यानी कि एक बार फिर से जिस तरीके से भाजपा 2019 में नजर आ रही थी वो अब शुरुआत हो चुकी है 2024 को लेकर, ये हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जरा सी भी कमी भाजपा नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि 2024 में एक बार फिर से आश्वस्त है भाजपा कि 300 पार तो होगा ही होगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल अमित शाह कौशाम्बी दौरे के बाद वो आजमगढ़ दौरे पर थे, उन्होंने वहीं पर 300 का नारा दिया था। अब अगर बात करें दक्षिण भारत की, जिस तरीके से पीएम मोदी को वहां पर दौरा है, पीएम मोदी वहां पर
कोयम्बटूर चेन्नई से कोयम्बटूर चलने के लिए वो वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी दिखाएंगे। तो आप ये भी देख सकते हैं एक दिन में दो भारत वंदे ट्रेन को अगर हरी झंडी दिखाई जाती है, बीजेपी का जो प्लान है, जो मेगा प्लान है, उसको लेकर पूरी तरह आश्वस्त है और वो पूरी तरह तैयारी में जुटे हुए हैं। निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में है, आप देख ले तो मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव चल ही रहा है, तेलंगाना चुनाव है, उसको देखते हुए बीजेपी जो अपना रोड मैप है तो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। लगातार दौरा है, आज भी सीएम योगी का दौरा है और कल भी जिस तरीके का आजमगढ़ का दौरा था, उसके बाद अमित शाह का दौरा था, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी चीज है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो हमले करता है बीजेपी के ऊपर की भ्रष्टाचार को मुद्दा उठाता है, वो कभी महंगाई मुद्दा उठाता है, कभी बेरोजगारी मुद्दा उठाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इन सबको ताक पर रखते हुए जो लोगों के बीच में जाने का जो काम कर रही है, बीजेपी लगातार नई नई परियोजनाएं दे रही है, नई नई योजनाएं लेके आ रही, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। अभी कुछ देर पहले आप देखें पीएम मोदी ने भी कहा था, अपने जो उनके सांसद हैं, अपने सांसद सारे संसदीय क्षेत्र में जहाँ संसदीय क्षेत्र में जाकर भारत सरकार द्वारा किए गए या बीजेपी द्वारा किए गए सभी कामों को बताएं, क्योंकि अब देखें तो जो बीजेपी 2019 लोकसभा में जो कम सीटें का अगर खासा देखते हैं लगभग 200 वोट या 300 वोट या 500 या 4 से 5 हजार वोटों के जो फासले रह गए थे, जैसे आप मछली शहर ले लें, आप मेरठ ले लें, तो यहाँ कुछ जगहों पर ऐसा था कि जो बीजेपी बहुत कम अंतर जीती थी, तो बीजेपी कहीं कहीं बिल्कुल यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी आश्वस्त है और इसी पर मुहर लगाने के लिए हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई योजनाओं का लाभ जो है वो लोगों को पहुंचाया जा रहा है, कई योजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है, लोकार्पण किया जा रहा है कई परियोजनाओं का। सुधीर आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जल्द आपका रुख करूंगी। राजकिशोर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। राजकिशोर अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की हम बात करें तो दो तरह से तैयारियां बीजेपी को करनी है, एक लोकसभा के नजरिए से, दूसरा निकाय चुनाव के नजरिए से। लेकिन भाजपा जो है वो हर टाइम हम देखते हैं कि चुनावी मोड में नजर आती है, यहां बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी पहुंचेगा, योजनाओं का लाभ बताएगा जनता के बीच और ये बताने की कोशिश करेगा कि भाजपा ने कितना काम किया है और कितना लाभ मिल रहा है। अगर जमीनी स्तर की हम बात करें राजकिशोर, तो क्या लगता है कि जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसको लोग किसको पसंद कर रहे हैं, इसमें भाजपा को या विपक्षी दलों को? क्योंकि जिस तरह से खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन बहुत तबका ऐसा भी है जो कहता है कि नगर निगम में वो काम नहीं हो पा रहा है, हालांकि प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है लेकिन निगम में वो सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। क्योंकि अगर विधानसभा लोकसभा की हम बात करें तो निकाय चुनाव और प्रधानी के चुनाव बहुत अलग हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बता दें काजोल जी कि जिस तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, वहीं उसके साथ साथ अगर विपक्ष की बात करें जैसे कि समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी, ये भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं और उसके साथ साथ लोकसभा की भी तैयारी कर रहे हैं। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो बीते दिन उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह हैं, उन्होंने कहा था कि जो वाटर टैक्स है वो हाफ होगा और हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ का लेकर नारा लेकर वो 763 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर भी उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा, स्थानीय निकाय चुनाव होगा, वो कहीं ना कहीं बहुत ही टक्कर वाला होगा, क्योंकि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी है विपक्ष में, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी है जो दो राज्यों में जो जहां पर उनकी सरकार है, जैसे कि दिल्ली और पंजाब में उन्होंने फ्री की सेवा की जो योजना है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी लाने की कोशिश जा रही है और उसी को लेकर वो रणनीति में आगे स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ेंगे। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कहीं ना कहीं लगातार जो रहता है वो जनता से सीधे जुड़ने का कार्य रहता है, जनता के बीच में जाकर कार्य करने किए गए कार्यों को बताना होता है और उसके साथ साथ जो उनके प्रभारी मंत्री हों, चाहे डिप्टी सीएम भी ले लीजिए, डिप्टी सीएम भी जनता से सीधे संवाद करते हैं, जनता से मिलते हैं, सुबह जन सुनवाई होती है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का भी असर कहीं ना कहीं स्थानीय निकाय चुनाव पर देखने को मिलेगा। वहीं उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके पन्ना प्रमुख हैं और पदाधिकारी हैं, वो भी जनता से सीधे मिलते हैं और जो जन समस्याएं होती हैं उनको लेकर अधिकारियों से अवगत कराते हैं और उनका निराकर भी करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें स्थानीय निकाय चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि जो निकाय चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से लोकसभा और विधानसभा को बहुत मजबूती देता है और नीचे से ही जो कार्यकर्ता होते हैं वही ऊपर के अधिकारियों को और मंत्रियों तक बातें पहुंचाते हैं और उन तक सही प्रबल दावेदारी कर पाते हैं। जी
ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। सुभाष भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। सुभाष, जिस बात की हम चर्चा पहले भी कर रहे थे कि जोशीमठ में जिस तरह की तस्वीरें नजर आई थी, उस चीज को अब ठीक करने की कोशिश हो रही है, उसे सुरक्षित बताने की कोशिश हो रही है, उसी कड़ी में आज जो ओली मैराथन है वो होने जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ धाम और हेमकुट साहब की जो यात्रा है वो भी शुरू होने जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि जोशीमठ आपदा के जो एक नेगेटिव चीज निकलकर सामने आई थी वो इस यात्रा पर ना पड़े, इसकी कितनी तैयारी शासन प्रशासन कर चुका है? बिल्कुल काजोल, यही सरकार की तैयारियां भी हैं कि क्योंकि जोशीमठ ही वो मार्ग है जहां से बद्रीनाथ जाया जाता है, और ये कहा जा सकता है कि इसी वजह से राज्य सरकार चाहती है कि वहां के लोग विरोध ना करें, वहां के लोग यात्रा में किसी तरीके की अड़चन ना डालें, उसको लेकर पूरी ये कहा सकता है सरकार की तरफ से माहौल बनाया जा रहा है, स्थितियों को सुधारा जा रहा है ताकि वहां के स्थानीय लोग किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार या यात्रियों के साथ ना करें, जिससे आने वाले वक्त में पर्यटकों की संख्या उत्तराखंड में कम हो। लेकिन तैयारियां सरकार कर रही है क्योंकि ओली भी एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है उत्तराखंड में, और ये देखा जाता है कि अप्रैल मई जून के समय में सबसे ज्यादा पर्यटक अगर कहीं आते हैं तो वो ओली है, और ऐसे में यदि ओली में ही पर्यटक नहीं आएंगे तो राज्य के अन्य जिलों में पर्यटक कैसे आ पाएंगे, इसको देखते हुए राज्य सरकार चाहती है कि ओली जोशीमठ जैसे जो स्थानीय जगह है इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, यहाँ विकास कार्य कर रही है, और परियोजना अभी तक जो भी राज्य सरकार की तरफ से चलाई गई उनको धरातल पर उतारने के लिए ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री पहुंचकर आज अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे, साथ में स्थानीय लोगों से मिलेंगे, स्थानीय निरीक्षण करेंगे ताकि स्थितियां सुधर सके। जी बिल्कुल, सुदीप भी मेरे साथ बने हुए हैं लगातार दिल्ली से। सुदीप, अगर हम बीजेपी की बात करें तो तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं जोर शोर से, शंखनाद तो हो ही चुका है, बिगुल बज चुका है, लेकिन सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्य ऐसे जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं जिसमें कर्नाटक भी एक आता है। अगर कर्नाटक की हम बात करें तो सुदीप क्या लगता है, कर्नाटक में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पहुंच रहे हैं, कई परियोजनाओं का लाभ कर्नाटक के लोगों को दिया है, साथ ही साथ ही विश्वास जताया जा रहा है कि भाजपा कर्नाटक में भी बहुत अच्छा रिस्पांस लेकर आएगी, लेकिन उधर कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि कर्नाटक में भाजपा कभी नहीं आएगी क्योंकि कर्नाटक में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। जी बिल्कुल, जी साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी जब दौरा वहां पर, उन्होंने मेट्रो बड़ी जल्दी दिखाई, इसके साथ साथ ही उन्होंने एम्स दिया, अब जो वहाँ के सीएम तक के चेहरे हैं मुंबई में, उन्होंने भी कहा था कि हम सीएम योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाकर कर्नाटक में लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मेगा प्लान है वो बीजेपी की तरफ से प्लान तय चल रही है। अब बात करते हैं और जो प्रदेशों में चुनाव है, तेलंगाना चुनाव, तेलंगाना में 11,300 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा। हम बात उत्तर प्रदेश करें, उत्तर प्रदेश में कल अमित शाह ने लगभग 3,000 करोड़ की कौशाम्बी में लगभग योजनाओं को उन्होंने दिया वहां पे, तो बीजेपी अपने मेगा प्लान लेकर कहीं कहीं चल रही है। अगर बात चुनाव की, तो ये तरीके समझिए बीजेपी इसको टेस्ट मान रही है, वनडे मान रही है, इसके आधार पर जो लगातार बीजेपी कहती आती है कि हम यूपी में 80 सीटों पता करेंगे, तो इसी बेस से बीजेपी जो काम कर रही है, आप देख लीजिए कि जितने इनके प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं बीजेपी में, जो इनका सेवा सप्ताह चल रहा है, यानी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री खुद मैदान में है, और जो कहा जाता है कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ऐसा है कि हर चुनाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाता है और कहीं ना कहीं जीत भी हासिल होती है। फिलहाल शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो तीन बड़ी खबरों पर हमने नजर बना के रखी है, पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि जरूरी हो जाता है कि हर खबर से आपको रूबरू कराना, ताकि आप भी ये जानते रहे कि देश में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हलचल हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।